हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज में। और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट बच्चों बेस्ड है वेक्टर एनालिसिस के ऊपर, और वेक्टर के ऊपर इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों से जर्नली पूछी जाती हैं। स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई हमारी एक्सेलरेटर सीरीज का मेन मोटिव क्या है। जो बच्चे आफ्टर ट्वेल्थ नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे या कर रहे हैं, अगर वो रोज़ डेली हमारे एक कॉन्सेप्ट के साथ भी टच में रहेंगे कि तो आप देखिए कि एग्ज़ाम आने तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के बच्चों कवर हो जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि डेफिनेटली नीट और जेई के एग्ज़ाम में ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है और आज की प्रॉब्लम हमारी है क्या। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखिए, जब भी आप कोई प्रॉब्लम पढ़ेंगे या आप एग्ज़ाम में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस क्वेश्चन को स्पेशली फिजिक्स में कम से कम 2 से 3 बार आप लोग एक बार पढ़ें अच्छे से और देखें कि आप लोगों से पूछा क्या गया है। अगर आप लोग बेहतर तरीके से ये जान जाते हैं कि भाई प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों से ये कॉन्सेप्ट या ये टर्म पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम के सॉल्व होने के चांसेस 60-70% तक बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारी समझ आए, और उसके लिए हमें कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को बच्चों पढ़ना पड़ेगा। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। अभी हम लोग प्रॉब्लम है क्या, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। भाई उन दोनों का सम हम लोगों को दिया है। मैंने माना कि एक फोर्स का नाम है ए, दूसरे फोर्स का नाम है बी, तो एक सिंपल सी इक्वेशन मेरे पास में बन गई है ये, ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। अरे वाह, वेरी नाइस, मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिया गया है 12, यानी मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड रिजल्टेंट, ये हम लोगों को दिया गया है 12। मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिया गया है बच्चों 12। मैग्नीट्यूड का सीधा सा मतलब स्टूडेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से, ये हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक अभी तक जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो हमारे सामने ये है कि दोनों का जो सम है वो 18 के इक्वल है और इनका जो रिजल्टेंट है वो 12 है। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा का मतलब है a और b के बीच का एंगल बच्चों। ओके, चलिए देखते हैं कि आगे हमारे पास में ना क्या रिजल्ट बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, अंडर रूट हटाएंगे स्क्वायर लगाएंगे तो ये बनेगा 144। ये रिजल्ट हमारे सामने बच्चों बनेगा। ठीक है, हमने अंडर रूट हटाकर स्क्वायर लगाया तो ये रिजल्ट हमारे सामने बना। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और यहाँ तक तो इजी है काम। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने सिचुएशन बनाई है। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को क्या कहा गया है, आगे बढ़ते हैं। उसने ये कहा इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, वॉट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज। भाई यहां हम लोगों ने 2 फोर्स सेलेक्ट किए हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ओके, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। इनके बीच का जो एंगल हम लोगों ने लेट किया है वो थीटा है, यहां लिख रहा हूं बच्चों में। ठीक है, मैंने माना कि जो ए वाला है वो स्मॉलर है और जो बी वाला है वो थोड़ा बड़ा है। तो लैंग्वेज के मुताबिक जो रिजल्टेंट होने जा रहा है ना बच्चों, ये रिजल्टेंट छोटे वाले से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट होगा वो स्मॉलर वन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और पूरा एंगल हमारे पास में थीटा है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट ध्यान से, मैंने अभी पिछले 2 कॉन्सेप्ट में आप लोगों को इस तरीके की कंडीशन बताई थी। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट ए से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये जो 90 डिग्री है ये रिजल्टेंट और ए के बीच में बनने वाला एंगल है बच्चों। तो हम लोग इस 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, हम इस 90 डिग्री को स्टूडेंट लिख सकते हैं कुछ ऐसे। देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल हमारे पास में है थीटा, हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो 90 डिग्री है ये r और a के बीच में है, b से तो इसका कोई मतलब नहीं है,
तो हम लोग इसे लिखेंगे बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा और ए वाले को इसमें ऐड करेंगे। ये रिजल्टेंट लिखने का तरीका होता है, रिजल्टेंट के एंगल को लिखने का तरीका होता है बच्चों, क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल है वो रिजल्टेंट और ए के बीच में बन रहा है, बी से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर बी से उसका कोई मतलब नहीं है तो हम लोग लिखेंगे बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 90, यानी जिससे मतलब नहीं है उसे थीटा यानी साइन थीटा के साथ ऊपर कॉस थीटा के साथ नीचे, ये कॉमन सा फॉर्मूला अपने पास में बच्चों रहता है। अब आप देखो 10-90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनिटी और इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0। 10-90 की वैल्यू इन्फाइनाइट जिसे लिखा जा सकता है 1/0, तो यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बनेगा ए इक्वल टू माइनस के बी कॉस थीटा, ये रिजल्ट बनेगा भाई हमारे पास में ए इक्वल टू माइनस के बी कॉस थीटा। मतलब पूरे क्वेश्चन का जो लॉजिक है ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लैंग्वेज को पढ़कर कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट आराम से बना सकता है। थोड़ा सा सोचने वाला काम यहाँ पर है कि रिजल्टेंट छोटे वाले के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हमने सिचुएशन बनाई तो ये कंडीशन हमारे पास में बनी बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं ये आप लोग देखिए। देखो बच्चों ये है अपने पास में ए स्क्वायर, है ना अपने पास में ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर। हम b की वैल्यू को यहाँ से निकाल देते हैं, b की वैल्यू निकलेगी 18 माइनस ए, यहाँ b की जगह पुट करते हैं 18 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस। देखो अब बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह है b cos थीटा, है ना b cos थीटा, और यहाँ b cos थीटा इक्वल होगा माइनस को इधर ले जाते हैं माइनस ए के, तो हम लिखेंगे 2a b cos थीटा की जगह लिखेंगे माइनस के a इज इक्वल टू 144। ये सिचुएशन बनी बच्चों हमारी। चलिए अब हम प्रॉब्लम को और आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा भाई आगे। ये बनेगा माइनस के 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, तो ये बना 18 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर इज इक्वल टू 144। चलिए बच्चों स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, देखते हैं कि 18 का स्क्वायर अपने पास में क्या बनने वाला है। स्टूडेंट 18 का जो स्क्वायर है वो अपने पास में क्या बनेगा, ये बना 18 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 36a माइनस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इससे ये कैंसिल आउट बच्चों, हो गया है कैंसिल आउट। देखिए अब रिजल्ट हमारे पास में बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट, अब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं बचा है कि भाई आप लोग ना कर पाएं। एक सिंपल रिजल्ट हमारे पास में बना है और वो है 18 स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 36a। 18 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, 18 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना 18 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है शायद 324 के आसपास, माइनस के 144 इज इक्वल टू 36a। यहाँ से a की वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे और a की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ रखेंगे a की वैल्यू को, तो यहाँ से b कैलकुलेट होगा। इस तरीके से हम a और b दोनों का आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, और जो हम लोगों से प्रॉब्लम के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगाया, दोनों का सम 18 के इक्वल है, रिजल्टेंट 12 के इक्वल है, तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये बन चुकी है। यहाँ से हम लोगों ने b की वैल्यू को फाइंड आउट किया और यहाँ से मेन काम हमारे पास में निकल कर आया बच्चों, b cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a जो हमने यहाँ पुट किया, कैलकुलेशन हम लोगों ने स्टूडेंट की है, और कैलकुलेशन करने के बाद में फाइनल रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab करके, ठीक है फाइनल रिजल्ट हमारे पास में यहाँ से निकलेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर बच्चों ज़रूर मेंशन करें, a की वैल्यू क्या आने वाली है और b की वैल्यू क्या आने वाली है। हम लोग एक बार फिर आपके सामने आएंगे एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर बच्चों।